बच्चा आराम से खाएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को काफी पसंद आता है, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है। हेलो फैमिली, नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके बच्चे के लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप भी अपने बच्चे का वजन बढ़ाना चाहती हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है महीने दर महीने, बच्चे का वजन बढ़ना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो बच्चा क्या होता है कि कुपोषित हो जाता है और बच्चे का विकास भी धीमा हो जाता है, और बच्चे का समय पर वजन जब नहीं बढ़ता है तो बच्चे की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लगती है। बच्चे को आए दिन कोई ना कोई दिक्कत होने लगती है, बच्चा मतलब बीमारियों की चपेट में आने लगता है। तो अब सवाल ये आता है कि बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं, कैसे बच्चे का सही टाइम टू टाइम वजन बढ़ता रहे, उसके लिए बच्चे को क्या खिलाएं। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के बारे में। तो 6 महीने से जैसे कि बच्चे सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप 6 महीने से कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो अगर आप बच्चों को खिलाती हैं तो बच्चे का वजन सर्दियाँ बढ़ेगा, बच्चे का वजन सही बढ़ेगा और आपका बच्चा गोलू मोलू बनेगा। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हेल्दी रहे, हष्ट पुष्ट रहे और मतलब गोलू मोलू रहे। तो ये वीडियो टोटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आपका बच्चा भी कमज़ोर है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो डेली देखने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, आपको बच्चे को केला देना स्टार्ट कर देना चाहिए। केला बच्चों को काफी ज्यादा पसंद होता है और केला 6 महीने का बच्चा आराम से खा लेता है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे इस तरीके से मैश करके आप केले के पीसेस बच्चे को खिला सकते हैं। केले में जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ेगा और बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। तो आप बच्चे को दिन में 2 बार तक केला दे सकती हैं, बच्चे आराम से खा जाते हैं। मेरा बच्चा है जैसे कि मेरा बच्चा 1 बार में 1 से 1.5 केला खा जाया करता था। तो आप भी बच्चे को केला खिलाना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बच्चा खाने लगेगा और बच्चे का पेट भी अच्छे से भरेगा और बच्चे का वजन भी सर्दियाँ बढ़ेगा। हाँ, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो फिर आप केला देना स्किप करें, लेकिन ध्यान दें बच्चे को केला दोपहर के टाइम ही खिलाना है, जब अच्छी कड़ी धूप निकल आती है उसी टाइम आपको खिलाना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल सुबह से या शाम को केला नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, इस बात का आप ध्यान दें। दूसरी चीज़ है दही। दही भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दही में ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वही दोपहर के टाइम आप बच्चे को दही दे सकती हैं, घर में जमाया हुआ दही दें, हल्का मीठा, ज़्यादा खट्टा दही मत दें बच्चे को, हल्का मीठा दही दें, मतलब जो खट्टा नहीं होता है, ताज़ा दही जो होता है वो आप अपने बच्चे को खिला सकती हैं। आप घर में जमाइए तो और अच्छा है, घर का दही बिल्कुल अच्छा होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ है ओट्स। ओट्स की आप जैसे कि खीर बनाकर, जैसे कि ओट्स को आप थोड़ा सा अच्छे से दूध में पका लीजिए, उसको इतना ज़्यादा पका लीजिए कि वो एकदम से दूध में मिक्स हो जाए, बिल्कुल मिल जाए, मतलब तो हल्का सा पतला सा रह जाए और पूरा ओट्स अच्छे तरीके से पक जाए। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चे को खिला सकती हैं, लेकिन मीठे का मतलब चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ है, आपको बच्चे को आलू खिलाना चाहिए। जैसे कि आलू आपने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया, उसको आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिलाइए, बच्चा आराम से खाएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे को काफ़ी पसंद आता है। तो आलू में भी फैट पाया जाता है जिससे कि बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद पांचवी चीज़ है, बच्चे को आप स्वीट पोटैटो शकरकंद भी दे सकते हैं। शकरकंद को बॉईल करके हल्का सा मैश करके आप बच्चे को खिलाइए, एंड स्वीट पोटैटो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, आप एक बार खिला के देखिए। इसके साथ ही आप अपने बच्चे को दालें जरूर दें, दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन की कमी जब बच्चे के शरीर में नहीं होगी तो बच्चे का वजन अच्छे तरीके से बढ़ेगा। दाल को आप कैसे खिला सकते हैं कि अच्छे तरीके से बहुत सारी सीटी में आपको दाल को पकाना है, ऐसे पकाना है कि दाल के जो दाने हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए, एकदम से मिक्स दाल उसमें हो जानी चाहिए, चिकनी इस टाइप की बन जानी चाहिए, फिर आप वो अपने बच्चे को खिलाइए। नेक्स्ट चीज़ है, आप अपने बच्चे को पनीर भी दे सकते हैं। पनीर को मैश करके, कच्चा पनीर ही आपको देना है, पनीर को हल्का सा मैश करके आप बच्चे को खिलाइए। पनीर में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बच्चे के लिए फायदेमंद होते हैं और बच्चे का वजन भी सर्दियाँ बढ़ाते हैं, तो आप बच्चे को पनीर भी दे सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कैसे कि पानी में पहले उनको भिगो लीजिए, फिर उनकी एक प्यूरी टाइप की बना लीजिए और वो बच्चे को आप खिलाइए। ये नेचुरल सेरेलिक टाइप का बेबी के लिए बन जाता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप बच्चे को खिला के देखिए, इससे बच्चे को ढेर सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, बच्चे का विकास अच्छे से होगा और वजन भी सही बढ़ेगा। और इसके बाद जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं वो भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। और 6 महीने का बच्चा हो जाता है,
सब कुछ आपको अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि अभी से जब आप आदत डालेंगे तो आने वाले टाइम में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, सब कुछ कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिलाएं। आप अपने बच्चे को घी भी दे सकते हैं, जैसे कि रोटी आपने गरम गरम बनाई, सॉफ्ट सी पतली सी रोटी, उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया और वो बच्चे को खिलाएं। ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसको मैश करके रोटी को वो आप बच्चे के मुँह में दें, बच्चा आराम से खाता है। थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ बच्चे को खिलाना आपको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसे खिलाना चाहिए मैश करके कि बच्चा आराम से उसको चुई कर ले, बच्चे को चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। सो इन चीज़ों को आप कभी कभी एक दिन कुछ ट्राई किया, एक दिन कुछ ट्राई किया, इस तरीके से अलग अलग चेंज कर करके आप अपने बच्चे को खिलाइए, जिससे बच्चे का वजन सर्दियाँ बढ़ेगा। सो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स फैमिली में। तब तक के लिए लेती हूँ विदा, बाय बाय, थैंक यू।